मुंबई को स्वच्छ रखने में मुंबई महानगर पालिका 3-4 जगहों पे विशेषता काम कर रही है, जैसे मुंबई के जो सागरी किनारे हैं, जो बीचेस हैं, उसे साफ रखने का काम, मुंबई के जो सार्वजनिक जगहें हैं उसे साफ रखने का काम, कचरा जहाँ जहाँ पड़ता है उसे उठाने का काम, घर घर से कचरा उठवाने का काम, और साथ ही मुंबई में जैसे आप देखते हैं कि एक नालों का जाल है जिस नालों में से पानी जाता है और बारिश का पानी बहता है, उसे साफ रखने का काम मुंबई महानगर पालिका कर रही है जिससे मुंबई में फ्लडिंग भी ना हो। इसके साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हमने हाथ में लिया है कि मुंबई में जो आज खुले में शौच करते हैं, ये खुले में शौच जो करते हैं उसे बंद करना चाहिए, और इस कार्यक्रम को करने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने अब आगे आई है। मैं आपसे क्या गर्व से कहना चाहूँगा कि मिलियन प्लस सिटीज़ में पहली बार एक इतना बड़ा शहर इस आह्वान को, इस चैलेंज को स्वीकार कर आगे जा रहा है, और मुंबई में जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है मुझे इसके ऊपर बहुत ही ये खातरी है कि आगे जाके इसमें हमें यश मिलेगा। इस कार्यक्रम में हम जगह जगह पर टॉयलेट्स लगा रहे हैं और लोगों से हम ये विनंती कर रहे हैं कि ओपन में ना बैठते हुए आप इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। ये काम करने में 30,000 कर्मचारी मुंबई महानगर पालिका के और 1,000 ट्रक रोज़ का, मुंबई में वैसे 1,25,000 कर्मचारी हैं मुंबई कॉरपोरेशन में, पर 1,25,000 में से 30,000 कर्मचारी सिर्फ सफाई का काम करते हैं, ये तो आज तक काम कर ही रहे थे, तो इसके साथ साथ आज हम ये चाहते हैं कि इसमें नागरिक भी सहभागी हो, और उसकी शुरुआत हम सलमान जी से कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर खासकर सलमान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आगे आए, खुद आगे आए। उन्होंने कहा कि भाई जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं काम करता हूँ, उस शहर के लिए मुझे कुछ करना है, और उन्होंने एक जिसको मैं कहता हूँ एक बहुत ही नोबल कार्यक्रम हाथ में लिया कि जिसको कहते हैं ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री किया जाए। इसके तहत उनकी जो NGO है बीइंग ह्यूमन, उसके तहत हमें ओपन मोबाइल टॉयलेट्स दिए गए हैं और उस टॉयलेट्स को हम जगह जगह लगवा रहे हैं और लोगों से विनंती कर रहे हैं कि ये टॉयलेट्स आप वापर करें। आज मैं प्रेस, विशेषतः TV, प्रिंट और स्टिल कैम मीडिया की तरफ से नागरिकों के ये आह्वान करना चाहूँगा कि जैसे सलमान जी आज आगे आए हैं, वैसे सब कोई आगे आए, हर एक नागरिक आगे आए और इस काम को अपने हाथ में ले और इस शहर को जो हमारा अपना शहर है उसको साफ करने में मुंबई महानगर पालिका की मदद करें। नमस्कार। मैं बैंडस्टैंड पर रहता हूँ, तो हमारे घर के सामने समुंदर है, तो बचपन से देखते थे हम लोग वहाँ पर के जो के वहाँ के जो रहने वाले हैं, यू नो, चिंबई के, दे यूज टू गो इन द ओपन ऑन द सी। सो वो मुझे बहुत यू नो खटकता था, द वुमेन, द चिल्ड्रन, ओल्ड लेडीज, यंग लेडीज गोइंग इन द ओपन, विच आई जस्ट कुडंट यू नो हैंडल दैट। फिर जब यू नो हाईवे से आते थे तो वहाँ पे नाले के ऊपर यू कुड सी लॉट ऑफ पीपल सिटिंग डाउन देयर, इट्स अ बैड विजुअल, यू नो, छाता खोल के, यू नो, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग विजुअल, एंड आई शुड कीप ऑन वंडरिंग के ये कब बंद होगा। एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से प्ले करती आ रही थी कि इट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग फॉर अ मदर, फॉर अ वाइफ, फॉर अ सिस्टर इन लॉ, फॉर यू नो डॉटर टू गो आउट इन द ओपन, क्योंकि उनके पास यू नो टॉयलेट्स नहीं है उनके घर में। सो दिस वॉज माई थाट, और फिर देन सर केम अप विद दिस आइडिया एंड आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक फॉर अ लेडी, फॉर अ वुमन, इट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग टू गो आउट इन द ओपन, एंड फॉर देयर हस्बैंड्स, फॉर देयर फादर्स, इज इवन मोर एम्बैरेसिंग दैट दे कैन नॉट प्रोवाइड द वुमेन ऑफ द हाउस अ टॉयलेट। मजबूरी है। अब BMC इज गिविंग अ लॉट ऑफ मोबाइल टॉयलेट्स एंड आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई रिक्वेस्ट सर दैट कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड ये नहीं कि सिर्फ नाम आए,
स्टिल यू नो होता है कि नाम दे दिया और फिर एक फोटो सेशन हो गया और निकल लिए वहाँ से. यूजली दिस हैपन्स अ लॉट. जैसे कि ये स्वच्छ भारत में भी यू नो वो बिकेम अ वेरी बिग हाइप इन द बिगिनिंग. उसके बाद सब अपने अपने यू नो रस्ते लग गए. वी स्टिल डू इट ऑन ट्विटर. यू नो विच एवर प्लेस दैट आई एम शूटिंग एट वो हम लोग उसको साफ कर देते हैं. वी मेक श्योर दैट देर इज नो कचरा, देर इज नो प्लास्टिक, देर इज नो एनीथिंग देयर. अलवीरा टेक्स केयर ऑफ ऑल द गार्बेज एट कार्टर रोड. माई फादर डज इट एट बैंड स्टैंड. सो वी स्टिल ऑन दैट प्रोग्राम. Why? Because it's our country. We should respect that. And we should not think that this is somebody else's country. Our country is our home. And Maharashtra for me is not only my karma bhumi, but it's also my matra bhumi. So where I live, as much as I can see, whatever I can do, I need to do that. My bedroom is my bedroom, but as soon as I come out of my bedroom, becomes my living room, and that is the whole country. So we basically, we call, you know, the sweepers, you know, all jitna bhi gutter ke andar log kaam karte hain, you know, toilets wagar, we call them kachra wala. Kachra wale wo nahi hai, kachra wale hum log hai. Ye jo hum log jo kachra phekte hain, wo saaf karte hain humara kachra. And the amount of people are working in BMC is phenomenal. And they ek chutti nahi milti unko, din bhar kaam karte, raat bhar kaam karte, aur hum bhi unka kaam badhate hain. Hum kachra phekte jate hain, bahar jao, Hindustan ke bahar jao, Dubai chale jao, London chale jao, America chale jao, same log chutti pe jaoge, kaam pe jaoge, wahan pe ye karoge, karke dikha do bhai, do joote pad rahe hain wahan par, aisa karoge to जूते पर नहीं वहाँ पर ऐसा करोगे तो. सो वी आर स्केयर्ड टू डू दैट देयर. वी डोंट डू दैट देयर. वी पैनिक. बट हियर फेंको, फेंकते जाओ. सो वी नीड टू कंट्रोल दैट अबाउट आवरसेल्व्स. कि जो आदमी काम कर रहा है हमारे लिए सुबह से लेकर रात तक के, छुट्टी नहीं ले रहा है, उसके लिए ना न्यू ईयर है, ना क्रिसमस है, ना ईद है, ना दिवाली है, वो दिन भर रात भर काम किए जा रहा है. सर 22,000 पीपल, 30,000, 30,000 लोग महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं टू सी दैट मुंबई इज़ क्लीन. और हम लोग क्या करते हैं, वी लाइक टू सी मुंबई डर्टी. सो नाउ दिस खुले में जाना, इट्स नॉट कूल एट ऑल. अब लोगों की मजबूरी है, अब वो मजबूरी इतने टाइम से आ रही है कि वो माइंडसेट हो गया है. बट वो माइंडसेट को चेंज करना है. यू नीड टू यूज द टॉयलेट्स विच द बीएमसी इज गिविंग. आई एम पुटिंग इन सम मनी एंड इट्स हार्ड अर्न मनी. सो प्लीज अप्रिशिएट दैट. This is what we want for the women, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, कि ये उनको privacy मिले. तो ये please जब ये toilets लग जाएं, and please इन toilets का इस्तेमाल कीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए. It is up to you when you leave that toilet, it has to be clean for this project to survive. हम तो डाल देंगे, लेकिन मेंटेन आपको करना है. थिंक ऑफ दिस एज योर ओन टॉयलेट एंड थिंक ऑफ द नेक्स्ट पर्सन यूजिंग दैट बाथरूम. यस 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 100% एज मेनी टॉयलेट्स एज मुंबई नीड्स. आई थिंक वी शुड प्रोवाइड दैट. सो मोबाइल टॉयलेट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू नो लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. You can have normal toilets as well, but then CRZ is there and, you know, lot of other land construction. So these are not like mobile toilets, like mobile toilets. They're like full, yeah, in containers which are there, which are like five-star toilets.
They're really good. I will use them. I'll be the first one to use them. So, some ke charges honge, bahut hi nominal, bahut hi in a minimum honge. That's also to maintain, aur baki ke free honge. So, jahan, I think 78 spots decide kiye gaye the, jahan pe toilets ki sakht zarurat hai, jisme se ab bache hain 21 bache hain. Wahan par sab acha kar rahe hain, sab ne apne apne toilet bana liye. Lekin baki ke Mumbai ke andar wo abhi bhi hai, jo ke dikhta hai, jaise ki Film City ke bahar, RA mein. So I think that's also going to be one of the locations. Wahi hai na ke wo aadat jo barson se padi hai, usko todna bahut zaruri hai. But if you see the toilets, I think wo aadat bahut jaldi toot jayegi, only if they keep it clean. Ke you can go to a 5-star hotel, lekin agar 5-star hotel ke andar phir aapne usko maintain nahi kiya, to phir usme bhi, you know, that smell and no one want to go inside, wo hygiene factor. BMC ke paas bahut paisa hai, BMC ko being human ke paise ki zarurat hai nahi, they got a lot of money. But from our side we've said 5, so you know hamare, you know, side se bhi sirf ye ke naam aa raha hai wo, yeah, just for that. So first 5 toilets, they offered to pay for that as well. This is that we don't need the money, we just need the awareness. But I said ke phir wo, you know, wo thoda sa farzigiri dikhta hai, so I didn't want that to happen. So